हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में सबका स्वागत है। ये मेरा पहला ब्लॉग है ऑफिशियली। तो अभी मैं वेडी होकर बैठा हुआ हूँ, थोड़ा चाय पी के जाऊँगा फिर काम पे। तो मैंने गाड़ी खरीद लिया है, तो आज मैं थोड़ा लॉन्ग ट्रिप है, जाएंगे सुंदरबन, जो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। तो मेरा 9 बजे में पिकअप, अभी 7:30 बजे। तो गाड़ी रेडी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तेल भरवा के फिर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं निकल चुका हूँ गाड़ी लेकर। तो मेरा 9 बजे में पिकअप है, तो देख रहा हूँ वहाँ जाने का कोई पिकअप मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे फ्यूल भी करवाना है। तो अगर खाने का खर्चा भी निकल जाएगा पिकअप से, तो मेरा बिल चलेगा 200-250 रुपये मिल जाएगा, तो मेरा खाने का पैसा निकल आएगा। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। तो चलिए वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा पहला भाड़ा कंप्लीट हो गया। पहला भाड़ा था मेरा विधाननगर से एक्टिवेगर्स, जो कंप्लीट कर फिर मैं फुल बगल में आ गए। तेल भी भरवाना है और थोड़ा खाना भी खाना है, और ट्रिप भी कहाँ मिलता है देखते हैं। तो पहला ट्रिप का मुझे मिला है 170 रुपया, और जिसमें मुझे मिला है 140 रुपया, तो 30 रुपया काट लिया। तो देखते हैं दूसरा ट्रिप कब मिलता है। पेट्रोल भरवाना वैसे भी हो गया है, तो वेट कर रहा हूँ दूसरे ट्रिप का, देखते हैं कब मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं सुंदरबन आ गया हूँ, मतलब लास्ट जो स्टॉपेज है गौतखाली बोल के, वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। तो फिलहाल वो मेरा प्राइवेट बुकिंग था, तो वो उन्होंने तो मुझे छोड़ के अपना फेरी घर से फेरी पकड़ के अपना रिजर्व में चला गया। तो फिलहाल यहाँ से मुझे नहीं मिला, आधा घंटा पौने एक घंटा खड़ा होने के बाद मैं अभी फ़िलहाल मेन सिटी की तरफ जा रहा हूँ, शायद कोई भाड़ा मिल जाए, तो देखते हैं क्या होता है। तो उस भाड़ा में मुझे मिला 3000 रुपया, ठीक है। तो चलिए जाते हैं। तो मुझे अच्छा खासा अर्निंग हुआ है, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 ट्रिप कर लिए थे, छोटा छोटा ट्रिप 2 कर लिए थे। तो मुझे उस वहाँ पर भी ज़्यादा 200-400 रुपये, और यहाँ का जो मिला 3000 रुपये, तो मोटा मोटी 3500 रुपये का काम हुआ है। तो तेल अभी भी बहुत है, तो देखते हैं कितने का क्या बचत होता है आज का दिन का टोटल का। और कलकत्ता में सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी तो कोई भाड़ा बुकिंग नहीं मिल रहा है। फिर वो जो मोमिता देवनाथ बोल के जो रेप हुआ था, उनका भी प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा कलकत्ता में, तो कभी भी कहीं भी जाम लग जाता है। तो फिलहाल तो यही कारण है कि सुबह निकलता हूँ अभी मैं, एक मतलब थोड़ी सवेरे निकल रहा हूँ। तो चलो जाते देखते हैं, कहीं मेरा घर के बगल में कोई भाड़ा मिल जाए तो बढ़िया होगा। तो फिर देखते ही बच्चे रहते गोदाखाली, गोदाखाली क्योंकि बाड़ी दिखे जाती घर में दिखा भाड़ा पा देना, भाड़ा नहीं मिलेगा हमको। तो देख रहे हैं सब, यहाँ का कीर्तन ये चल रहा है, कीर्तन हरिनाम का कीर्तन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिजॉर्ट के अंदर चल रहा है कीर्तन। तो फिलहाल तो मैं धीरे धीरे करके जा रहा हूँ, शायद कोई भाड़ा मिल जाए हमको। फिलहाल तो कोई मिलने का चांस नहीं देख रहा हूँ मैं फिलहाल। तो मैंने कुछ टिफिन करा, मतलब वो कुछ खाया पिया, सुबह से निकला कुछ खाया नहीं था, कुछ खाया। खाने के बाद अभी फिर निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से मेरा घर है 89 किलोमीटर, तो धीरे धीरे करके जा रहा हूँ। टाइम तो लगेगा, तो थोड़ा जितना जल्द स्लो हो सके उतना स्लो ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हड़बड़ी नहीं है अभी। मेरा दिन का जो कोटा वो भी हो गया है, मेरा अभी जो हालात है वो ख़राब है, रास्ते सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो काम ठीक से हो नहीं पा रहा है। और एक है कि सुबह बहुत सुबह निकलो, बाहर रात को निकलो, सारा दिन सारा रात सुबह के 10 बजे तक काम करके घर चले, अभी वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता फिलहाल तो मेरे नज़र में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, फाइनली बारिश शुरू हो गया है, तो देख ही रहे कि बारिश स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं धीरे धीरे करके बहुत देर बाद बारिश का मार घटा है थोड़ा, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से धीरे धीरे करके, तो बहुत टाइम से खड़ा हुआ हूँ, कोई ट्रिप नहीं मिल रहा है मेरे को। देखते हैं कहाँ का ट्रिप मिलता है, कब मिलता है। तो फिलहाल मैं अभी
से निकल रहा हूँ। तो आप देख ही रहे हैं बहुत वेदर बहुत बढ़िया हो गया था, क्योंकि इसके पहले बहुत गर्मी था। ये भाड़ा हम पावन नहीं मिले उनको पता है तो। हाँ, कभी कभी बांग्ला एक्शन में बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये हैबिट है, मैं बंगाली हूँ। लेकिन आप सबके लिए, पूरा इंडिया के लिए, मतलब जो जिसको समझ नहीं आ रहा, देखिए हिंदी सबको समझ आता है, जिसको जो बंगाली उसको भी समझ आता है, जो नॉन बंगाली है उसको भी समझ आता है। इसीलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। मेरे एक और एक चैनल है रास्ते ब्लॉग, तो उसमें मैं हिंदी बंगाली में बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए बारिश कम गया है लेकिन बूंदाबांदी गिर रहा है अभी भी, देखने में बहुत मस्त लग रहा है। तो जा रहे हैं घर की तरफ। तो पहुंचने के बाद घर में अगर बीच में कोई ठीक हो जाए तब आपको इन्फॉर्म करते हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। सो फ्रेंड्स, वो सुंदरबन का भाड़ा करना रिटर्न जब कर रहा था तब मुझे और एक इंटरसिटी मिल गया था उबेर पे, जो था आपका खटकपुर से सोनारपुर। वो अभी अभी मैंने ड्रॉप किया है, तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अभी और एक इंटरसिटी मिल रहा था बिष्णुपुर की तरफ, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रहा है मेरा, तो फिलहाल घर की तरफ जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा ट्रिप मिल जाएगा तो कर लूँगा। तो फिलहाल तो मौसम बढ़िया है, रास्ता भी बढ़िया है, तो चल रहे हैं। तब तक आप लोग तब तक रास्ता इंजॉय कीजिए, तब तक मैं घर पहुँच जाता हूँ। चलिए, तो इस रास्ते में कोई जाम नहीं है, देखते हैं आगे में जाम होता है कि नहीं।
सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। आके फ्रेश होके अभी थोड़ा खाना ब्रेक खाके लेटा हुआ हूँ। ठीक है, तो आज का मुझे मेरा अर्निंग हुआ है 3500 का अर्निंग हुआ है, जिसमें मुझे तेल लगा है 700-800 रुपये का तेल लगा है। तो मेरा टोटल अर्निंग बचत हुआ है 3000 का बचत हुआ है मेरा पूरा। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तो गुड नाइट, टाटा। ठीक है।